आपको लोकेशन इसकी मिल जाएगी। तो आज अपने साथ भैया, आप एक बार अपना हमारे व्यूअर्स को नाम बताओ। जी, मेरा नाम मयूर है। भैया का नाम मयूर है। भैया एक बार आपके पास कौन सा मॉडल i20 का? मेरे पास i20 2011 मॉडल है। 2011 मॉडल भैया पेट्रोल वर्जन है? पेट्रोल है, स्पोर्ट्स। पेट्रोल स्पोर्ट्स है। तो भैया आज इसके अंदर आप क्या क्या करवाना चाहते हो? मैं इसमें एग्जॉस्ट चेंज करवा रहा हूँ। ठीक है। और टिप चेंज करवा रहा हूँ। एग्जॉस्ट और टिप। आपको भैया कैसी साउंड चाहिए? मेरे को साउंड तो चाहिए कि नॉर्मल हो, कि जैसे ट्रिपल चाहिए, बेस चाहिए, कैसे? बेस हो, ट्रिपल हो, दोनों। दोनों मतलब, और चौथे पाँचवें गियर पे भी आपको आवाज़ थोड़ी लाउड चाहिए। भाई अलग अलग सेटअप होते हैं, आपको वही बता दूं। देख लेना गाड़ी की हमारी कंडीशन, देख लो अभी भैया कह रहे थे इसको पूरा बिल्कुल टिच करवाना है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इस गाड़ी में इंस्टॉल हो रहा है। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबाइए सब्सक्राइब बटन को और साथ ही में इस बेल आइकन को भी, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले। तो भैया एक बारी बताओ अपनी जो i20 है ये मॉडल कौन सा है? एक बारी ये मॉडल निकल दो और स्पोर्ट्स वर्जन है पेट्रोल का। हाँ जी भैया। तो भैया आज इसके अंदर क्या क्या कर रहे हैं? भैया इसके अंदर हम आज इसका पाइप डाल रहे हैं। पाइपिंग जो आता है वो नॉर्मल आती है 1.75, हम इसको 2.0 कर रहे हैं। ठीक है। पीछे एग्जॉस्ट लगा रहे हैं। ठीक है। डुअल टिप के साथ जो भैया की प्रेफरेंस हो रही है। ठीक। तो भाई एक बारी पहले आपको स्टॉक साउंड सुना देता हूँ। अभी तक इसके अंदर भी कुछ नहीं हो रखा ना, कुछ नहीं, स्टॉक बिल्कुल स्टॉक है सब कुछ, जो इसका एग्जॉस्ट पाइप सब कुछ एवरीथिंग विल बी स्टॉक। एक बारी भैया रेव कर दो। तो भाई आपने देख लिया, कोई अभी आवाज नहीं आ रही है, बाकी इंस्टॉलेशन के कुछ शॉट्स दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइस अपना काम जो है स्टार्ट हो चुका है गाड़ी के अंदर। ये जो स्टॉक पाइप था ये आपको देखने को मिल रहा होगा रस्ट वाला, ये अपना स्टॉक पाइप था। तो भैया एक बार ये बताओ, ये आपने क्या क्या किया इसके अंदर? भैया इसकी पाइपिंग जो है 1.75 थी, इसको मैं ब्रॉड किया, हमने 2.0 डाला, टाटा का CRC व्हाइट वॉश पाइप डाला। जैसे कि वो कह रहे थे कि लाउड लाउड चाहिए उनको, थर्ड फोर्थ भी आवाज़ चाहिए, तो पाइपिंग ब्रॉड की जरूरत पड़ती है अगर फोर्थ फिफ्थ चाहिए। हमने इसका पाइप ब्रॉड किया, 2.0 डाला, बाकी लगाने के बाद फिटिंग के बाद आपको एग्जॉस्ट में 2-3 नोट्स लगा दूँगा। तो भाई ये देख लो एक बार, अगर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊँ तो ये देखो कितना ब्रॉड है और ये देखो, दोनों में फ़र्क देख लो गाइस कितना ज़्यादा है। ये देखो गाइस, आपको एक बार नीचे से पहले लुक दिखा दूँ। ये देख लो इंस्टॉल पूरा अपना हो चुका है। यहाँ से बिल्कुल पाइप कट करके जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से पाइप कट नहीं करा, बिल्कुल खोला एग्जैक्ट, और अपना ये देख सकते हो अपनी पाइपिंग चेंज करी है जो 2 डायमीटर की डाली है 2.0 की। ये देखो भाई पीछे से पूरी प्रॉपर फिटिंग है, कोई कहीं जगह से बाहर नहीं निकल रहा। अगर मैं आपको नीचे से दिखाऊँ, ये देखो बिल्कुल प्रॉपर है। अंदर हो रही है अपनी रेक्टेंगल में HKS की, बिल्कुल आप देख सकते हो रेनबो शेड है इसकी पूरी। भैया एक बार ये बताओगे कि इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या खासियत है ऐसी? भैया एक तो इसकी लुक बड़ी स्मार्ट है। ठीक है। और सेकंड है गाड़ी के हिसाब से लगाऊंगा, ब्रॉड लगे तो बहुत स्मार्ट लुक काफी अच्छी है, लुक काफी अच्छी। बाकी आवाज से भी कुछ फर्क पड़ेगा? आवाज से पेट्रोल में इतना नहीं पड़ता, सिंगल डबल लगा उसमें इतना नहीं पड़ता, लुक का फर्क आया। तो बाकी ये भाई अभी देख लो, अभी कोई बॉडी कट नहीं हुई है अभी। भैया इस साइड लगेगा या दोनों साइड? इसी साइड लगेगा, इसी साइड लगेगा। अभी हम बंपर काट के इसके अंदर पावर प्लेस करेंगे। तो भाई अभी आपको पूरी फिटिंग दिखाता हूँ इसकी, ये देख लो एक बार कैसे लग रहा है अगर मैं आपको दूर से दिखाऊँ। ये देखो नॉर्मल लोग जो लगाते हैं कहीं और, वो एक्सलेंस के नीचे लगाते हैं, बंपर के नीचे लगाते हैं, तो फिटिंग और लगती है। हम इसके अंदर प्रॉपर कट करके इसके अंदर प्रॉपर मिड टू फिट बनाएंगे इसको। ये देख लो भाई एक बार आपको पहले स्टॉक लुक दिखा दूँ, बाकी कटिंग होती है फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस फाइनली अपना जो गाड़ी का पूरा काम था एग्जॉस्ट का वो फुल कंप्लीट हो गया है। जैसे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया, अब रहता है कि एक बार आपको एग्जॉस्ट नोट सुना दूँ। तो विनय भैया एक बार इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं और एक बार व्यूअर्स को सुनाते हैं एग्जॉस्ट नोट। साउंड इसकी ऐसे आ रही है, हल्की सी गाड़ी में नाम की मिसिंग है तो ठीक हो जाएगी। बाकी जैसे जैसे कार्बन इसमें आएगा आवाज़ थोड़ी बैठेगी और अच्छी क्वालिटी साउंड और बेटर उसके ऑप्शन हो जाएगा और बेटर आएगी खींचने में, बल्कि खींचने में तो हर गियर पे इसमें साउंड आएगी। जैसे पाइपिंग हमने मोटी आ लिया तो मैं एक शूट कर दूंगा, देखिए आप वीडियो बनाता हूँ, इसमें लास्ट तक फोर्थ फिफ्थ भी डालूंगा मैं, उसके अंदर भी प्रॉपर साउंड इसके अंदर आएगा। तो भाई अभी पूरी वीडियो भैया की इंस्टाग्राम चैनल पे आ जाएगी, साइलेंसर गैरेज पे जाके भैया को फॉलो कर लेना, वहाँ पे आ जाएगी। बाकी अब इसके एक बार दिखाता हूँ आपको कुछ रनिंग शॉट्स। Oh,
टाइम की आपको एक बार कैबिन के अंदर से जो एग्जॉस्ट नोट है एक बार वो सुना दूं, तो अभी आरपीएम देख लो आप, ये देखो 2 पे आरपीएम है, ये देखो भाई, चलो भैया इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और जो बिल्कुल नया देखने को मिला होगा। तो भैया एक बार आपसे मैं पूछता हूँ कि जो आपने मांगा भैया से वो आपको मिला? बिल्कुल, ठीक है। आपको किस टाइप की बेस साउंड चाहिए था? देखो बेसिकली बेस अच्छा चाहिए था और ट्रेबल चाहिए था, बेस और ट्रेबल चाहिए था। तो भाई प्रॉपर है, अगर आपने कैबिन साउंड वाली वीडियो देखी होगी, अगर आपने स्किप नहीं करी होगी तो उसमें आपको पूरा पता लग जाएगा। ईयरफोन्स लगा के एक बार दोबारा देख लेना अगर पूरा प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो। विनय भैया एक बार ये बताओ कि इसमें कितनी देर लगी? हमें इस राउंड सेटअप के लिए राउंड 2 घंटे लगे, 2 घंटे में। तो भाई 2 घंटे में पूरा रेडी हो गया, स्टॉक मफलर अपना उतार के सब कुछ, पाइपिंग वाइपिंग सब कुछ बनाई है। ये नहीं है कि पहले बना हुआ था, आपके आंखों के सामने भी, आपके आंखों के सामने हुआ ना सारा, कोई ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो भाई देख लो और अपना भैया एक बार ये बता दो कि इन एग्जॉस्ट की कॉस्ट कितनी आ जाती है? ये कॉस्ट इसकी अराउंड अगर आप सिंगल टिप स्टार्ट करते हो पाइपिंग के साथ तो 6 से 7 हज़ार स्टार्टिंग हो जाती है पाइपिंग के साथ, ठीक है। और 10-12 हज़ार ज़्यादा की वो टिप्स में बहुत अलग तरीके की हैं, जो टिप कस्टमर चॉइस करता है उस हिसाब से रेट थोड़ा ऊपर नीचे होता है। बाकी भाई वीडियो डाल रखी है, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो भी जाके देख लेना, फुल परफॉर्मेंस रिलेटेड उसमें सारी आपके कवर एंड पूरे दिए हैं। तो भैया इसमें 2 घंटे पूरे लग गए। अब जैसे कोई एसयूवी कार आती है तो उसमें कितनी देर लग जाती है? हर गाड़ी में सेटअप कोई 2 से 4 घंटे सेटअप होता है, 2 से 4 घंटे करता है उस गाड़ी में शॉप पे कितनी खड़ी है, क्योंकि सबको देखना पड़ता है। बिल्कुल नॉर्मल 2 से 4 घंटे में होता है। और एक और चीज जो आपने साउंड सुनी है, भैया की चॉइस थी कि मीडियम चाहिए इनको साउंड, प्रेफरेंस इनको वो दिया मैंने। अगर आप चाहते हैं उससे लाउड साउंड वो भी अभी इसमें आ सकती है, और अगर कम तो कम कर सकता हूँ, अभी इसे लाउड का ऑप्शन अभी और है इसके पास। और भाई जो अभी आपको थोड़ी खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आपको जो दिख रही होगी भैया उसको बता दो किस चीज़ की? हल्का सा गाड़ी में कहीं कोई मिसिंग है, तो मिसिंग की वजह से एयर है कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है एग्जॉस्ट में, प्रॉपर नहीं है खड़खड़ की वजह से। थोड़ा बॉडी जब क्लीन वगैरह होगी सब कुछ ओके होगा, सही आवाज़ ठीक हो जाएगी। तो भाई कोई अगर भैया पे लगवाने आता है एग्जॉस्ट तो भैया से एक बारी पहले अपॉइंटमेंट ले लेना, भैया एक बारी अपना नंबर बता दो और आओगे आप एट ए टाइम एकदम से बिल्कुल आओगे तो भैया उस टाइम भी गाड़ी खड़ी होती है, तो भैया पता नहीं टाइम आपको दे, एक बारी आने से पहले जरूर कॉल कर लेना भैया को। तो एक बार भैया नंबर बता दो। भैया वी आर फ्रॉम सरसा गैराज, मेरा नाम विनी है, नंबर है 9810346167, सेकंड नंबर है 9810672007। नीचे गूगल मैप की लोकेशन डाल दूंगा, कहीं से भी आ रहोगे सीधा पहुंचोगे यहीं पे। तो भाई करते हैं फिर आज की इस वीडियो को एंड, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भैया को भेज दो, भैया कॉल कर लेना। भैया कॉल टाइमिंग एक बार ही बता दो। नॉर्मल टाइमिंग हमारा है 10:30 to 6 इन द इवनिंग, बाकी जब भी आए प्लीज़ आप कॉल करके आइए, क्योंकि मेरी बुकिंग चलती है, तो कॉल करके आएंगे टाइम आपका भी सेव होगा। बाकी अगर आप इंस्टाग्राम पे भैया को फॉलो कर लेना, साइलेंसर गैरेज भैया डेली वहाँ पे पोस्ट डालते रहते हैं गाड़ियों से रिलेटेड, नई नई गाड़ियों में, और अपना जोन सी भी आप चाहोगे उसकी भी आपको वीडियो भेज देंगे कि भैया इस गाड़ी में ऐसी साउंड मिले, क्यों ठीक कह रहा हूँ ना, बिल्कुल जोन सी आपके पास गाड़ी आप वहाँ से भैया को मैसेज कर देना तो भी आपको वीडियो भेज देंगे। तो कर दो फिर आज की वीडियो, मिलता हूँ फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो को लेके, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर।